नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। जातिगत जनगणना को लेकर के आज बिहार विधानसभा का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलेगा। बता दें कि इस प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत विपक्षी दलों के नेता होंगे, पक्ष के दल के भी नेता होंगे, सभी वहाँ पहुँचेंगे और प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे बिहार में जातिगत जनगणना कराने के हेतु। साथ ही साथ पूरे देश में जातिगत जनगणना हो इसके पक्ष को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। लेकिन मुलाकात के बाद क्या कुछ नतीजा सामने आएगा या देखने वाली बात होगी। लेकिन इस मामले को लेकर के कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ कहा है, आए पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। आज विधानसभा का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचा है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हैं और सभी दलों के नेता शामिल होंगे। आपका क्या प्रतिक्रिया है? मुझे उम्मीद है कि प्रतिपक्ष के मांग को मानते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से समय मांगा, देर से ही समय सही, प्रधानमंत्री जी ने समय दिया। जातीय जनगणना पे बात होनी है, लेकिन सर्वदलीय जो मुलाकात है प्रतिनिधिमंडल का, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य पहले तो ये क्लियर कर लें कि भारतीय जनता पार्टी जनगणना या जातीय जनगणना के पक्ष में है या खिलाफ है। अगर भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के खिलाफ है तो इस प्रतिनिधिमंडल में प्रधानमंत्री से मिलने का औचित्य क्या है, दिखावा क्यों कर रही है? अगर समर्थन है तो भारतीय जनता पार्टी की जो अधिकृत नेता हैं बिहार के, जो विधानमंडल के नेता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके, वो घोषणा करें कि जातीय जनगणना पे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के साथ है, विपक्ष के मांग के साथ है, चूँकि विपक्ष की मांग जायज है। अगर ऐसा नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा और चरित्र अलग अलग तरीके। आपने सुना साफ तौर पर राजेश राठौर बोल रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष की बात मान के भले मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा हो, और अब बिहार विधानसभा का प्रतिनिधिमंडल जो है प्रधानमंत्री से मिलेगा भी, लेकिन प्रधानमंत्री इस बात को मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे, इसमें संशय की स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ क्या कुछ कहा राजेश राठौर ने अपनी पूरी बातों को सुना। तो आप ऐसी खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।